गाइस इनके बीच है और ये जो उनकी जो बताया ब्लॉग। तो गाइस अभी दिन के हो रहे 1:30 और मैं अभी कर अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो गाइस आज घर में कोई भी नहीं है, मानसी और मैं ही है। कन्नू ईसु लोग सब गए हैं वहाँ नामकरण में गए हैं, तो वो पता नहीं कब तक आएंगे। मंजू जी ड्यूटी गई है तो पता नहीं कब तक आएंगे। मानसी यही है और हमारे बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद हम आज एक ब्लॉग और बनाने जा रहे हैं, इतना खतरनाक वाला WWE वाला। तो यहाँ हमारा गद्दा लग चुका है और ये है रेसलर, तो इसका अभी हम जो हाल करने वाले हैं। और ये है पूर्व रेसलर, हमारी भूतपूर्व रेसलर, तो जो अभी खाना बना रही है। तो आज इसका कुछ भी रोल नहीं है और ये हमारा रेफरी है, तो ये रेफरी बनेगी अभी। तो मानसी का भी थोड़ा बहुत रोल होगा जिसमें रेफरी का भूमिका निभाएगी या कुछ होगा। तो गाइस हम फटाफट अपना मेकओवर करते हैं और खतरनाक वाला होने वाला WWE। तो गाइस शुरू करेंगे फटाफट, तो फटाफट अपना मेकओवर कंप्लीट करते हैं और देखो आगे आगे क्या होता है और कैसा लगेगा WWE आपको। हम अभी तो नहीं बता सकते, उसके बाद ही बताएंगे। तो गाइस शुरू करते हैं फटाफट। गाइस आ चुके हैं आपके सामने, इनका नाम WWE की दुनिया में कोई नया नहीं, इनका नाम है वीर। तो गाइस ये ऐसे रेसलर हैं जो बड़े बड़े को उठाकर पटक देते हैं गाइस। तो गाइस अपना इंट्रो देते हुए, और इनके पिछले वीडियो में इन्होंने बड़े बड़े बादशाहों को पटका है, तो और आ चुके हैं विराट। तो गाइस विराट की एंट्री भी खतरनाक। तो विराट को देखते हैं कैसा करते हैं इनका, देखते हैं क्या वीर से ले पाएंगे पंगा। तो विराट तैयार, तो वीर का प्रहार देखेंगे गाइस आज। विराट और वीर दोनों आपस में अपनी अपनी ताकत आजमाते हुए, तो देखते हैं किसे ज्यादा ताकत है। तो वीर ने ये क्या विराट को उठाने की कोशिश, और विराट की भी ताकत अनदेखी। तो गाइस देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो गाइस विराट को पकड़ दिया है वीर ने। तो गाइस वीर, तो गाइस यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है। तो ये क्या वीर ने विराट को उठाने की कोशिश, और ये वीर उठाने में सफल, और ये उठा दिया है, और ये विराट को पटकने की कोशिश। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। तो देखते हैं, और ये पटक गया है विराट को। अरे 1-2-3, तो गाइस पहला राउंड यहाँ पे जीत चुके हैं वीर। तो गाइस विराट यहाँ पे हार चुके हैं। तो गाइस दूसरे राउंड की बेल बजते ही तो दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वीर ने फिर से दूसरे राउंड में और ये शुरुआती दौर में ही उठा दिया है विराट को, और ये फिर से पटकने की कोशिश। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो गाइस फिर से, और ये फिर से पटक दिया है 2-3। तो गाइस विराट इस दूसरे राउंड को भी हार चुके हैं। तो गाइस तीसरा राउंड शुरू हो चुका है, और ये क्या देखने को मिल रहा है, विराट जो काफी हावी हो रहे हैं वीर पे, और ये वीर फिर से हावी होते हुए विराट पे। तो देखते हैं क्या होता है। तो विराट को फिर से उठा दिया है, और ये फिर से पटकने की कोशिश। तो देखते हैं क्या होता है, और ये उठा दिया है, और ये वाला राउंड भी वीर जीत चुके हैं गाइस। तो अब देखते हैं चौथा राउंड, तो चौथे राउंड में कौन जीतेगा। तो गाइस एक बार फिर से चौथा राउंड शुरू हो चुका है गाइस, तो देखते हैं चौथे राउंड में कौन जीतता है। तो गाइस यहां पे देखिए विराट की असीमित कोशिश, और ये कौन आ चुका है। तो गाइस विराट को बचाने के लिए कौन आ चुका है, इसे ना हम जानते हैं ना आप। तो गाइस यहाँ पे वीर को निकाल दिया, और ये 1-2-3 भी हो चुका है। तो
गाइस यहां पर वी को हरा दिया है और ये दो राउंड एक ही बार में क्लियर कर दी है गाइस विराट ने। तो विराट को फिर से वीर के साथ देखते हुए और पीछे से न जाने कौन विराट को बचाने और ये विराट में फिर से वीर को चपटा और ये दो जने लग के मार रहे हैं। तो गाइस क्या होगा वीर का, तो दो जनों से लड़ना है गाइस। तो देखते हैं वीर को फिर से पकड़ लिया दोनों जनों ने और ये तो देखते हैं इस राउंड का क्या होता है गाइस। तो जो है पांचवा राउंड जिसमें से तीन एक दो तीन, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, विराट ने वीर को तीन राउंड हरा दिया है। तो तीन तीन के बराबर यहाँ पर दोनों हैं। तो इस राउंड के बाद जो राउंड जीतेगा वही कहलाएगा इस राउंड का विजेता, इस WWE का विजेता। तो ये तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वीर ने जो सपोर्ट में विराट के आए थे उनको भगा दिया है। तो और वीर फिर से कोशिश करते हुए, विराट ने भी बड़ी कोशिश कर दी है। तो गाइस देखते हैं क्या होता है, कौन पटकता है और ये विराट, वीर ने विराट को पकड़ दिया और ये उठा दिया उल्टा ही, जैसे थे वैसे उठा दिया और ये फिर से कोई नाजायज तो फिर से पटकने की कोशिश है। तो गाइस विराट भी हारे और ये पटक दिया है। तो गाइस तो और ये विराट उठ गए और ये विराट ने क्या देखने को मिला, विराट की फुर्ती, तो विराट ने पकड़ लिया, पीछे से जकड़ लिया है। तो गाइस वीर का क्या होगा अब, तो वीर उठते हुए और दिखाते हैं अपनी ताकत, तो असीमित ताकत का भंडार है वीर। तो विराट ने जकड़ लिया है और ये देखते हैं और वीर उठ चुके हैं और ये वीर और विराट और ये वीर ने ऐसे उठा दिया है जैसे कोई गोभी का फूल उठाता है और ये पटकने की पूरी कोशिश और ये पटक दिया है एक दो। तो एक बार फिर से वीर ने उठा दिया है विराट को। तो देखते हैं अब क्या होता है और ये पटकने की कोशिश में और छटपटाते हुए विराट, तो क्या होगा और फिर से उठा दिया है और ये फिर से छूटे और पटक दिया। तो गाइस इसकी फरमाइश थी कि खेले खेले कब से कहना था, इसलिए जीत करके खिलवाए, तो ये हार चुका है चारू खाने जीत। कुल मिला के तो मजा ही आ गया, पर इसकी फरमाइश थी कि खेले खेले, मैं तो मजा कर रहा था, तो चारू खाने जीत कर दिया। तो गाइस पूरी तरीके से जीत चुका हूँ, अभी हम खाना खाएंगे फिर उसके बाद सोएंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद शाम को ड्यूटी भी जाना है। तो गाइस बिन्नी और तन्नू का तो गाइस इनके लिए भी लग चुका है खाना और हमारे लिए भी लग चुका है। तो गाइस फटाफट हम दिन का खाना खा लेते हैं फिर हम शाम को ड्यूटी भी जाना है, मंजू जी लोग भी आने वाले हैं, अभी मेहमान भी आने वाले हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, मैं तो तब तक चले ही जाऊंगा। तो गाइस जल्दी जल्दी खाते हैं फिर उसके बाद थोड़ी देर सोते हैं फिर जाएंगे, फटाफट खाते हैं। ये लोग आ चुके हैं नामकरण से भी और ये खाना खा रहे हैं, वहीं से खाना भी ला। बाहर तो बहुत जबरदस्त बारिश होने लग गई है तो इसलिए हम अब सो जाते हैं 4-5 बजे तक, जब तक बारिश बंद नहीं होती है फिर उठेंगे। 5:30 होने वाला है, मतलब 5:18 हो चुका है और मैं अभी उठा हूँ और फटाफट हो चुका हूँ मैं तैयार। तो फटाफट थोड़ी देर ड्यूटी जाके आता हूँ फिर आता हूँ जल्दी से, यहाँ तो खाना वाना भी बनने लग गया रात का, तो ये लोग बना रहे हैं तो फटाफट मैं ड्यूटी जाके आता हूँ, बना रहे हैं ड्यूटी सोई है तो फटाफट चलते हैं। एक दिन बारिश होने में एक दो दिन हल्द्वानी में ऐसा हो जाता है पूरा माहौल रोड का खतरनाक हो रहा है। गाइस मैं आया हूँ ड्यूटी में, तो यहीं से मुझे कन्नू इशू को लेके भी जाना है घर को, तो पंचायत घर से तो अभी ले जाऊंगा उन्हें घर को। गाइस ये है हल्द्वानी के नाले, देखो इधर नाला है और ये पानी पूरा रोड में बह रहा है, नाला उधर है और पूरा पानी यहाँ रोड में बह रहा है, मतलब अभी थोड़ा ज़्यादा, अभी तो बारिश बंद हुई है तो थोड़ा सा बारिश और होगी तो पूरी रोड भर जाएगी। गाइस यहाँ से व्यू इतना प्यारा दिख रहा है ना, अभी शाम का मज़ा आ गया गाइस। इस दोनों को ला चुका हूँ मैं यहाँ से और अच्छी से चल रही है।
गाइस आज मैं हम घर और इनको भी ला चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पता नहीं क्या जला रखा है, धुआं ही धुआं हो रहा है। इशू बनाने लग गई है रोटी और ये पता नहीं क्या कर रही है। ये लोग यहाँ बैठे, ये देखो गाइस। तो गाइस कि अभी खाएंगे हम, खाना बन रहा है तो इसके बाद हम खाना खाएंगे। गाइस मैं हूँ एक शरीफ लड़की, मेरा नाम है मानसी। मैं इतनी शरीफ हूँ कि अपने भाई को ऐसे नजर उठा कर भी नहीं देखती। तो गाइस हम खाने लग गए हैं खाना, तो आज तो टेबल में लगा के कुर्सी में बैठ के खा रहे हैं बढ़िया करके। और मंजू लोग पल्ली तरफ खा रहे हैं, लोग सब लोग, तो हम तीन जने, हाँ वो तीन जने वहाँ हम टीवी देखते देखते वो सोते सोते खा रहे हैं। खाना तो सबने खा लिया और इन लोगों ने भी खा लिया, इन लोग सोने वाले हैं और हम भी सोते हैं गाइस। तो मानसी किचन की सफाई कर रही है थोड़ा सा, तो गाइस कन्नू खाने में ही है। तो गाइस तो आज तो बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, तो इसलिए आज के ब्लॉग का यही पे एंड करते हैं गाइस। तो आई होप आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो आज के ब्लॉग का यही पे एंड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।